हेलो दोस्तों, मैं जय शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल LIC वाला पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LIC के प्लान धन रेखा की, जिसका प्लान नंबर है 863। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं इस प्लान के बेनिफिट्स को कि अगर हम इस प्लान को लेते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, आपको जितने भी बेनिफिट LIC प्रोवाइड कराती है वो 100% गारंटीड है। दोस्तों, इस चीज़ के बारे में या फिर इस टॉपिक के बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। इस प्लान में दोस्तों आपको दूसरा बेनिफिट ये मिलता है कि आपको यहाँ पे सर्वाइवल बेनिफिट यानी कि मनी बैक का भी आपको ऑप्शन मिलता है। लो प्रीमियम फॉर लेडीज, इस प्लान में दोस्तों आपके पास में दो प्रीमियम पेमेंट के ऑप्शन अवेलेबल है। दोस्तों, एक सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन और एक दूसरा है लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन। आप दोनों में से किसी भी ऑप्शन को चूज करके आप अपने प्लान को उस तरीके का सिलेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्लान में दोस्तों आपको गारंटीड एडिशन भी LIC प्रोवाइड कराती है, जहां पे 50 रुपीज पर 1000 सम अशोर्ड से लेके 60 रुपीज पर 1000 सम अशोर्ड तक का आपको प्रोवाइड करती है। इस चीज को भी दोस्तों हम आगे वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं, ये जस्ट एक हाइलाइट्स में आपको बता रहा हूँ। लाइफ कवरेज भी आपको LIC प्रोवाइड कराती है, जो कि होता है 125% यानी कि 125% ऑफ सम अशोर्ड का। इस प्लान में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट में अगर आपको बात बताऊं तो इस प्लान में आपको मनी बैक मिलता है। ये एक मनी बैक वाली प्लान है। दोस्तों, जनरली क्या होता है कि आप कोई भी नॉर्मल मनी बैक वाला प्लान लो तो उसमें आपको मैच्योरिटी के टाइम में मनी बैक जो है अमाउंट आपको जो मिला होता है वो आपके सम अश्योर्ड में से डिडक्ट कर लिया जाता है यानी कि काट दिया जाता है। पर यहाँ पे दोस्तों आपको जो रिटर्न मिलेगा मैच्योरिटी पे उसमें आपका जो सम अश्योर्ड है वो डेबिट करके नहीं, पूरा सम अश्योर्ड के साथ में मिलेगा और मनी बैक भी मिलेगा आपको। दोस्तों, ये जो प्लान है ये नॉन लिंक्ड प्लान है, जिसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो LIC ना कोई शेयर मार्केट में करती है और ना ही कोई गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में। ये प्रॉपर आपका लाइफ कवरेज या फिर इंश्योरेंस कहलाता है। दूसरा, ये नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है, यानी कि यहाँ पे आपको किसी भी टाइप का बोनस LIC डिक्लेयर नहीं करती आपके लिए। यहाँ पे आपको जितने भी बेनिफिट्स मिलते हैं वो सारे फिक्स्ड होते हैं, फिक्स्ड बेनिफिट आपको रिसीव होते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस की, यानी कि अगर मुझे इस प्लान को लेना है तो उसको लेने के लिए क्या क्या कंडीशंस मुझे फॉलो करनी होगी। तो सबसे पहला आता है मिनिमम सम अश्योर्ड, यानी कि कम से कम आप कितना बीमा राशि ले सकते हैं इस प्लान में। तो उसकी लिमिट है दोस्तों 2 लाख रुपीज़ की, 2 लाख रुपये आप कम से कम इतना सम अश्योर्ड आप ले सकते हैं। मैक्सिमम सम अश्योर्ड की बात करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इस प्लान को कितनी बीमा राशि तक के लिए ले जा सकते हैं, तो उसकी दोस्तों कोई भी टाइप की लिमिट LIC प्रोवाइड नहीं करती आपके लिए, आप चाहे उतना सम अश्योर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा, पॉलिसी टर्म, अगर आपको इस प्लान में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए क्या क्या पॉलिसी टर्म है, पॉलिसी कितने समय की होगी। तो 3 ऑप्शन है दोस्तों, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स और 40 ईयर्स का आप पॉलिसी टर्म ले सकते हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। तो आपको अगर आपने सिंगल प्रीमियम वाला लिया हुआ होगा पेमेंट मोड, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 1 टाइम पेमेंट करना होगा। और यही लिमिटेड प्रीमियम वाले में दोस्तों आपके पास में 3 ऑप्शन यहाँ पे भी अवेलेबल है। अगर आपने 20 साल का पॉलिसी टर्म लिया है तो 10 साल का आपको पेमेंट, 15 साल 30 वाले में और 40 वाले में 20 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म आपको देना होगा। मिनिमम एंड मैक्सिमम एज, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी एज वाले व्यक्ति इस प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस चीज़ को हम डिटेल में एक बार देख लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों अगर पॉलिसी टर्म 20 ईयर्स की ली हुई है तो फिर सिंगल प्रीमियम वाला जो हमारा ऑप्शन है उसमें 8 ईयर्स से लेके यानी कि 8 साल से लेके 60 साल के व्यक्ति इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, यही दोस्तों हमारा जो दूसरा ऑप्शन है लिमिटेड प्रीमियम वाला, उसमें दोस्तों आपको मिलता है 20 साल की पॉलिसी टर्म वाले में 8 साल से लेके 55 साल यानी कि 55 ईयर्स तक के व्यक्ति इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने दोस्तों पॉलिसी टर्म 30 ईयर्स का लिया हुआ है तो यहाँ पे सिंगल प्रीमियम वाले में 3 साल से लेके 50 साल के व्यक्ति इन्वेस्ट कर सकते हैं और यही लिमिटेड वाले में 3 से लेके 45 साल वाले व्यक्ति इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारा तीसरा और लास्ट पॉलिसी टर्म 40 साल वाला है दोस्तों। तो इसमें अगर हम सिंगल प्रीमियम वाले की बात करें तो 90 डेज यानी कि 90 दिन के बच्चा या बच्ची से लेके 40 ईयर तक के व्यक्ति भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, लिमिटेड वाले में भी सेम 90 डेज के चिल्ड्रन से लेके 35 ईयर्स के मेल या फीमेल कोई भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दोस्तों जैसा कि आपने आगे देखा कि यहाँ पे आपको 2 टाइप में देती है ऑप्शन, यानी कि 2 पार्ट्स में आपको देती है। एक आप चाहें तो सिंगल प्रीमियम वाला ऑप्शन ले ले या फिर आप लिमिटेड प्रीमियम वाला ऑप्शन ले ले, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। लिमिटेड वाले अगर हम प्रीमियम पेमेंट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा पॉलिसी टर्म आपको हमने पहले ही बताया हुआ है कि 20 साल का है, 30 साल का है और 40 साल का है।
आप जो भी सिलेक्ट करेंगे वो अकॉर्डिंगली फिर आगे कंटिन्यू रहेगा। सिंगल प्रीमियम वाले में भी सेम पॉलिसी टर्म LIC प्रोवाइड कराती है दोस्तों आपको, 20, 30 और 40 साल दोनों में पॉलिसी टर्म सेम है। आपके सिलेक्शन पे डिपेंड करता है आप किस पॉलिसी टर्म को लेते हैं। प्रीमियम पेमेंट टर्म की अगर हम बात करें तो लिमिटेड वाले में आपको प्रीमियम पेमेंट टर्म, अगर आपने 20 साल का पॉलिसी टर्म लिया है तो आपको प्रीमियम 10 साल के लिए भरना होगा। और यही दोस्तों अगर आपने 30 साल का लिया हुआ है पॉलिसी टर्म तो यहाँ पे दोस्तों आपको प्रीमियम भरना होगा 15 साल के लिए। इसी के साथ साथ आपको अंदाजा आ गया होगा कि अगर मैंने 40 साल का पॉलिसी टर्म लिया होगा तो मुझे यहाँ पे प्रीमियम भरना होगा 20 साल के लिए। इन शॉर्ट में आपको एक ही चीज बताना चाहता हूँ, जितना आपका पॉलिसी टर्म उसका आधा उसका प्रीमियम पेइंग टर्म। सिंगल प्रीमियम वाले में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको सिंगल प्रीमियम में पेमेंट टर्म मिलता है सिर्फ वन टाइम के लिए, एक ही बार आपको यहाँ पे प्रीमियम भरना होगा। चलिए दोस्तों अब हम इस प्लान को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो हमारा एक फ्रेंड है जिनका नाम है मिस्टर जय, वो इस प्लान को लेना चाहते हैं। तो उनकी एज रिसेंटली है 30 इयर्स की, 30 साल की उनकी उम्र है दोस्तों। इसी के साथ साथ सम एश्योर्ड यानी कि बीमा की राशि जो अजय भाई ने सिलेक्ट की हुई है अपने लिए वो है 10 लाख रुपीज़ की। तो 10 लाख की वो उनको पॉलिसी लेनी है। उन्होंने इस प्लान में लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है, सिंगल वाला नहीं लिमिटेड वाला, और पॉलिसी टर्म का उन्होंने सिलेक्शन किया हुआ है अपने लिए 30 इयर्स का, यानी कि 30 साल तक वो इस पॉलिसी को चलाने वाले हैं। प्रीमियम पेमेंट टर्म का आपको आइडिया आ ही गया होगा दोस्तों, तो यहाँ पे उनका प्रीमियम भरना आएगा 15 साल के लिए। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम और डिटेल में देखें इस चीज़ को तो आज की डेट में उनकी एज है 30 इयर्स की, और इस प्लान का जब मैच्योरिटी होगा उस टाइम पे 60 ईयर की एज होगी। 30 इयर्स 30+30 60 इयर्स, तो जैसे उनकी एज 60 होती है उस टाइम पे हमारे इस प्लान की आ जाएगी मैच्योरिटी, यानी कि उसके बाद में आपको यहाँ पे किसी भी टाइप का फिर पेमेंट नहीं देना होता है। मैच्योरिटी पे जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट होता है दोस्तों वो आपको पूरा रिटर्न दे दिया जाता है। प्रीमियम की हम बात करें तो फर्स्ट ईयर का प्रीमियम 6523 आएगा और सेकेंड ईयर से 6382, ये इसमें प्रीमियम है। आप दूसरे देख सकते हैं क्वार्टरली हाफ ईयरली और ईयरली का क्या रेट्स है, मैंने आपको जस्ट मंथली का बताया हुआ है। जब दोस्तों जय भाई की एज 45 इयर्स की होगी तब जाके उनका प्रीमियम भरना बंद हो जाएगा, उसके बाद से उनको यहाँ पे किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट नहीं करना होगा। इस प्लान में जय भाई को मनी बैक जिसे हम सर्वाइवल बेनिफिट भी कहते हैं वो भी उनको रिसीव होता है। अब वो किस टाइप से होता है मैं आपको सभी प्लान का कॉमनली एक ही में बता देता हूँ कि सर्वाइवल बेनिफिट जिसे हम मनी बैक कहते हैं वो किस तरह से LIC यहाँ पे प्रोवाइड कराती है। तो मान लो पॉलिसी टर्म अगर 20 साल का लिया हुआ है तो 10th ईयर पे पॉलिसी लेने के 10वें साल पे 10% ऑफ सम एश्योर्ड जो भी अपनी बीमा की राशि है उसका 10% आपको मनी बैक मिलेगा 10वें साल पे। 15वें साल पे भी आपको 10% ऑफ सम एश्योर्ड रिटर्न में मिलेगा। 30 साल का अगर हमने पॉलिसी का समय लिया हुआ है तो वहां पे आपको डायरेक्टली 15वें साल पे मिलेगा 15% ऑफ सम एश्योर्ड का रिटर्न मनी बैक के तौर पे। 20वें साल पे भी आपको 15% ऑफ सम एश्योर्ड मिलेगा दोस्तों एज अ मनी बैक। 25th ईयर पे भी आपको 15% ऑफ सम एश्योर्ड रिसीव होगा, बाकी के 5 साल आपको वेटिंग पीरियड लग जाएगा दोस्तों। 40 ईयर्स का अगर हमने पॉलिसी टर्म लिया हुआ है तो यहाँ पे आपको जब आपकी पॉलिसी को 20 साल पूरे होंगे तब जाके आपको 20% सम एश्योर्ड का मिलेगा रिटर्न में। 25th ईयर पे भी आपको 20% मिलेगा एज अ सम एश्योर्ड मनी बैक के तौर पे। 30 ईयर पे भी आपको मिलेगा और 35th ईयर पे भी आपको मनी बैक मिलेगा 20% अगर आपने 40 ईयर्स का पॉलिसी टर्म लिया होगा तो। रिटर्न्स टिल मैच्योरिटी, जब तक आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी आती है तब तक आपको कितना रिटर्न मिल जाएगा और कितना रिटर्न आपको इस प्लान में मिलेगा उसका आप यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल आपने प्रीमियम 11,26,530 भरा हुआ है और आपको रिटर्न मिलेगा 27,50,000 रुपीज़ का, जिसके बीच में मनी बैक की हम बात करें तो जय भाई को 3 बार मनी बैक मिलेगा। सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा 1,50,000 का, ऐसा उनको 3 बार मिलेगा दोस्तों, जो कि होता है उनके सम एश्योर्ड यानी कि 10 लाख का 15%। गारंटीड एडिशन का अगर हम कैलकुलेशन करें कि किस टाइप से गारंटीड एडिशन कैलकुलेट की जाती है तो पहले 5 साल में कोई भी टाइप का गारंटीड एडिशन नहीं देती है LIC, उसके बाद से गारंटीड एडिशन मिलना चालू होता है जो कि हमारा होता है 50 रुपये प्रति 1,000 रुपये अपने सम एश्योर्ड का बीमा की राशि के पर 1,000 अगर आप उसको डिवाइड करते हैं जो भी आता है उसमें 50 से मल्टीप्लीकेशन हम करते हैं उसका कैलकुलेशन में आगे आपको बताऊंगा। तो 50 रुपीज़ पर 1,000 6th ईयर से 20th ईयर के पॉलिसी ईयर में मिलता है। 55 रुपीज़ का पर 1,000 सम एश्योर्ड आपको गारंटीड एडिशन आपको मिलेगा 21st ईयर से लेके 30 ईयर्स के पॉलिसी टर्म में, और यही 60 रुपीज़ पर 1,000 फॉर सम एश्योर्ड मिलेगा आपको रिटर्न
गारंटीड एडिशन आपको रिटर्न में मिलेगा फॉर 31 to 40 ईयर्स ऑफ पॉलिसी टर्म। ये तीन आपको गारंटीड एडिशंस मिलते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों हमारे जो स्पेसिफिक जय भाई के जो केस है उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको गारंटीड एडिशन मिलता है ₹50 × 10 lakh। 10 lakh हमारा जो है वो यहाँ पे सम एश्योर्ड है, डिवाइड बाय 1000। हमने देखा था कि कुछ अमाउंट डिवाइड बाय 1000 पे मिलता है गारंटीड एडिशन। तो यहाँ पे हमारा ₹50 है जो पर 1000 हमें रिसीव होगा हमारे सम एश्योर्ड के। सम एश्योर्ड यहाँ पे 1000000 का है। तो 6th ईयर से लेके 20th ईयर के बीच में टोटल हमें कितना मिलता है आपको आइडिया आया होगा। 6 से 20 ईयर यानी 15 ईयर्स होता है, तो 15 साल हमने वहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल निकल के आया 7,50,000 रुपीज़। और हमें याद है कि पहले 5 साल में कोई भी टाइप का गारंटीड एडिशन LIC नहीं देती है। अब आपने देखा कि 20th ईयर तक का तो 7,50,000 मिल गया हमारा गारंटीड एडिशन, बाकी का जो बचा हुआ टर्म है 21 से लेकर 30 साल का उसमें कितना मिलेगा, तो उसकी रेट है दोस्तों ₹55 per 1000 की। हमने आगे वाले वीडियो में आगे हमने देखा इस स्लाइड में, तो 55 × 10 lakh डिवाइड बाय 1000 इंटू टर्म कितना रहा 10 साल, तो इंटू 10 अगर हम करते हैं तो इसमें हमें यहाँ पे मिलता है रिटर्न 5,50,000 रुपीज़ का। आप देख सकते हैं दोस्तों इनका कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है, मैंने आपके लिए एकदम सिंपल करके बताया हुआ है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों आप देखें कि 7,50,000 और 5,50,000 इन दोनों का अगर हम समेशन करें, इन दोनों को जोड़ दें, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टोटल गारंटीड एडिशन जो हमें इस प्लान में रिसीव होता है वो निकल के आता है 13 lakh rupees का। 13 lakh rupees का दोस्तों हमें सिर्फ गारंटीड एडिशन देती है, जैसा कि हमने इस पहले वाले स्लाइड में भी देखा होता है गारंटीड एडिशन हमें 13 lakh rupees का मिलता है दोस्तों। इन केस ऑफ डेथ ऑफ पॉलिसी होल्डर, मान लो पॉलिसी होल्डर यानी कि हमारा जो जय भाई है वो आगे चल के एक्सपायर हो जाते हैं पॉलिसी के दौरान, तो उस टाइम पे क्या बेनिफिट होता है, तो हमारा लिमिटेड प्रीमियम वाला जो प्लान है दोस्तों उसके अंदर LIC दो चीज़ को देखती है, 125% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड, आपका जो सम एश्योर्ड है उसका 125%, या फिर 7 times ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम, सालाना आप जितना भी प्रीमियम इन्वेस्ट करते हैं उसका 7 गुना। इन दोनों में से जो भी हायर अमाउंट निकलेगा दोस्तों वो और साथ में गारंटीड एडिशन जितना भी उस टाइम के लिए डिक्लेयर किया जाएगा वो दोनों मिला के डेथ के टाइम पे मिलता है। जैसे मान लो इन केस ऑफ अजय भाई की डेथ हो जाती है 10वें साल पे, 10th ईयर पे जय भाई एक्सपायर हो जाते हैं, तो उनको 12.5 lakh प्लस 2,50,000 रुपये रिटर्न में मिलता है, यानी कि कुल मिला के उनको रिटर्न मिलेगा उनके नॉमिनी को 15 lakh rupees का। यहाँ पे दोस्तों जो 2,50,000 है वो हमारा होता है गारंटीड एडिशन, जिसका कैलकुलेशन मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे कैसा होगा कि कैलकुलेशन में 50 rupees per 1000 मिलता है, तो 50 × 10 lakh डिवाइड बाय 1000, आप देख सकते हैं आगे मैंने 5 इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि पहले 5 साल में कोई रिटर्न नहीं था गारंटीड एडिशन का, अगले 5 साल से चालू हुआ, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा कैलकुलेशन टोटल निकल के आता है 2,50,000। और अंडर सिंगल प्रीमियम की हम बात करें तो यहाँ पे 125% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन रिटर्न दे दिया जाता है। एडिशनल बेनिफिट्स की हम बात करें कि और कौन से बेनिफिट्स हमें इस प्लान में LIC प्रोवाइड कराती है, तो दोस्तों यहाँ पे आप राइडर बेनिफिट्स ले सकते हैं। राइडर बेनिफिट्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाए हुए, बहुत सारे 5 वीडियो मेरे सारे राइडर को कवर कर रहे हैं, तो उसके लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपको जो सिंगल प्रीमियम वाला ऑप्शन है उसमें आपको ADDB राइडर और टर्म राइडर प्रोवाइड कराती है LIC। ADDB का मतलब होता है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, और टर्म राइडर हमारे टर्म प्लान की तरह बेनिफिट आपको प्रोवाइड कराता है, तो वो भी आपको यहाँ पे मिलता है। लिमिटेड प्रीमियम वाले में आपको सारे ही राइडर मिलते हैं, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, टर्म राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर, प्रीमियम वेवियर बेनिफिट राइडर, ये सारे ही राइडर आपको लिमिटेड प्रीमियम वाले में अवेलेबल है। डिटेल में अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं दोस्तों। सेटलमेंट ऑप्शन की अगर हम बात करें दोस्तों, यानी कि आपको यहाँ पे इन केस ऑफ डेथ या फिर इन केस ऑफ मैच्योरिटी इंस्टॉलमेंट में पैसे चाहिए, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो फिर डेथ क्लेम को जो है आप इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं, 5 साल के इंस्टॉलमेंट में आप करवा सकते हैं, और ये जो चीज़ है वो पॉलिसी होल्डर के द्वारा ही की जानी चाहिए दोस्तों। और दूसरा ऑप्शन मैच्योरिटी क्लेम का है, तो मैच्योरिटी जो है दोस्तों उसको आप इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं, वो भी सेम 5 साल के लिए आपको मिलता है इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन, और ये जो चीज़ है वो आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी हो उसके 3 महीने पहले आपको LIC को बताना होगा दोस्तों, तब जाके आप इस बेनिफिट का फ़ायदा ले सकते हैं।
इसी के साथ साथ दोस्तों एडिशनल बेनिफिट में और आपको जो एल आई सी प्रोवाइड कराती है वो है लोन बेनिफिट। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इस प्लान को लिया हुआ है तो आपको इस प्लान में भी लोन का बेनिफिट प्रोवाइड कराएगी एल आई सी। अगर दोस्तों आपने सिंगल प्रीमियम वाला ऑप्शन लिया हुआ है तो यहाँ पे आप 3 महीने के बाद में कभी भी ले सकते हैं, पॉलिसी स्टार्ट होने के 3 महीने के बाद कभी भी आप लोन ले सकते हैं। अंडर लिमिटेड प्रीमियम वाले में, लिमिटेड प्रीमियम वाला जो हमारा ऑप्शन है उसके अंदर आप 2 साल के बाद में, पॉलिसी लेने के 2 साल के बाद में आप कभी भी लोन बेनिफिट का फायदा ले सकते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं सरेंडर की, आप अपनी पॉलिसी को कब क्लोज कर सकते हैं, तो उसकी भी यहाँ पे दोस्तों थोड़ी लिमिटेशन एलआईसी ने रखी हुई है। तो सिंगल प्रीमियम वाले में हम देखने जाएं दोस्तों तो यहाँ पे आपको कभी भी आप इस पॉलिसी को बंद करा सकते हैं, लेने के टाइम से लेके आपका जब मन करे तब आप इस पॉलिसी को सरेंडर करें, बंद करवा सकते हैं। और लिमिटेड प्रीमियम वाले की अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे भी सेम लोन वाला ही बेनिफिट है, आफ्टर 2 ईयर्स आप कभी भी अपनी पॉलिसी को बंद करा सकते हैं। जनरली एलआईसी ने अब आने वाले सभी प्लान में 2 साल का कर दिया सरेंडर और लोन का बेनिफिट। थैंक्स दोस्तों आपका, आपने हमारे वीडियो को लास्ट तक देखा। अगर दोस्तों आपको हमारे वीडियो से थोड़ी भी नॉलेज मिली हो तो हमारे चैनल एलआईसी वालों को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।